अभी 3:06 हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं पत्तया। इनोवा मिली हमें और कितना बोले 1800 बात, थोड़ा कॉस्टली लग रहा है बट क्या करें, बहुत बार्गेनिंग करने के बाद ये प्राइस हमें मिली है। तो अभी निकल रहे हैं, अराउंड 110 किलोमीटर है यहाँ से, 110 किलोमीटर, तो 2 घंटा मैक्स लग सकते हैं। यस सर, ये देखो एयरपोर्ट जहाँ पे हमने लैंड किया था और उसके बाहर अब आ चुके हैं। ठीक है, अभी पता जाते हैं और उसके बाद ही फिर आपको दिखाते, थोड़ी रेस्ट करते जाने के बाद फिर मिलते हैं। स्पीड स्पीड। तो गाइस अभी पटाया आ गए, देखो हम मस्त लग रहा है, कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ अलग ही लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट, और कार्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, अच्छे अच्छे कार्स है यहाँ पे, ऐसे कार। तो हमारा होटल है द ग्रास, इसमें रुकेंगे हम। बाहर से तो अच्छा लग रहा है, देखते अभी अंदर से कैसा है। कैसा लग रहा है? बढ़िया। चुके होटल में, यहाँ पे होटल है, बैग वगैरह निकाला है, ये कितना 1800 बात इनको दे दिया, इनको करेंसी दिखा है ना। वेलकम टू थैंक यू सो मच। भाई अभी आ गए और भाई अभी जाते हैं, चलो चलो जाते हैं होटल में, देखते हैं कैसा होटल है, बहुत ही एक्साइटेड है। गाड़ियाँ देखो ना भाई, अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे BMW देखो, BMW, Mazda, Honda, Ford, और वो भी सब अलग अलग, Mitsubishi, वो Mazda, मतलब सब कंपनी के अलग अलग कार्स है। बाइक वगैरह भी बहुत ही अलग है यहाँ पे, देखो। ये होटल है, क्या नाम है होटल का, द ग्रास की गाड़ी देखना भाई, येलो कलर की गाड़ी देख, गाड़ियाँ जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अभी जाते हैं भाई जल्दी से, तो अभी करेंगे एंट्री होटल में। चुके हम ऊपर और ये रूम का कार्ड है 1201 और 1210 आमने सामने रूम है, 10 10 20 20 का, ओके 1220 के। तो ये कौन सा है, अरे हमारी तो यहाँ पे सबसे एंड में। ठीक है, देखते हैं बेचारे, आपको रूम टूर देते हैं। वाओ, बढ़िया रूम है। शुभ और प्रणव के रूम देखते हैं, ये तो रोहन और मैं यहाँ पे रहने वाले, आना भाई। ये सभी कौस्तुभ प्रणव, इन्होंने तो डोर क्लोज कर दिया। कौस्तुभ, अरे डोर का लॉक है, काम लगे दरवाजा लगा बोला। तो ये कौस्तुभ और प्रणव के रूम, हॉल से बेडरूम एक सिंगल बेड, ये डबल बेड वाला सोफा, टीवी अंदर भी है क्या ना यहाँ पे, बहुत ही अच्छे रूम है यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। हमारे यहाँ जो 15-20-30 हज़ार वाले जो रूम रहते हैं ना, वो यहाँ पे 3-4 हज़ार में इजीली मिल जाते हैं। मतलब अभी सीज़न ऑफ है ना, ऑफ सीज़न मिलता है यूजुअली, हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा लेते ही वो, बारिश का सीज़न है तो थोड़ा सा रेट भी यहाँ पे कम है अभी। तो रूम तो अच्छे, हम तो बहुत ही सैटिस्फाइड है रूम से, यस टोटली सैटिस्फाइड, और लॉकर भी अंदर, मतलब जो हमारा पासवर्ड वहाँ पे हम रख सकते हैं सेफली, बहुत ही अच्छी रूम है। तो अगर आप कभी भी आते हो पटाया में तो यहाँ पे आ सकते हो। यस, ये होटल का नाम है ग्रीन
नहीं नहीं ग्रीन नहीं है, ग्रास सर्विस, ग्रास सर्विस सूट बाय एट माइंड ऐसा कुछ तो है, सर्च करो मिल जाएगा। और अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर बाहर जाएंगे लोकल स्ट्रीट, वॉकिंग स्ट्रीट करके एक जगह है लोकल स्ट्रीट वगैरह, वहाँ पे रहता है थोड़ा सा क्लब्स वगैरह है, थोड़ा सा नाइट लाइफ है वहाँ पे, वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं रूम में आके फिर आराम करने के बाद सुबह हम कल यहाँ का जो बीच वगैरह वो देखने वाले हैं, बिकॉज अभी तो इवनिंग हो चुके हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अभी हम 7-Eleven जा रहे हैं, थोड़ा सा खाने का कुछ तो लेते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं ना। हाँ स्नैक्स लेते हैं, यहाँ का खाना तो मुझे नहीं जा रहा खाके देखा वो रात को देखते हैं इंडियन कुछ मिलता है तो, इंडियन होटल वगैरह है यहाँ पे वो ही देखेंगे। चलो अभी 7-Eleven जाते हैं। चलो डीमार्ट सर्कल इट्स लाइक स्मॉल डीमार्ट, जैसे सारी चीज़ें यहाँ पे, चिप्स वगैरह है, चॉकलेट्स, लेजी है ना उनके उनके लैंग्वेज में लिखा है, अरे लेजी होगा ना ये, नहीं क्या एले क्या लिखा है, क्या दूसरी कंपनी लग रही है ये, देखना लोगो तो ऐसे ही है ना, लेस का पेप्सिको का ही है लेस, हाँ लेस की, ये देखना ये लोगो तो लेस का है ना ये, हाँ ये उनके लैंग्वेज में लिखा है, लेना पड़ेगा सारे लेस हो गए, लेते थोड़ा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स चीज़ें हैं यहाँ पे। अरे देखो कोल्ड ड्रिंक तो एक भाई कितने सारे फ्लेवर के, फैंटा वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, ग्रेप्स फ्लेवर, जामुन फ्लेवर, और ये क्या बहुत वैरायटी है थाईलैंड में, ठीक है रेडबुल वगैरह, रेडबुल एनर्जी ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स बहुत सारे वैरायटी है यहाँ पे, वहाँ पे नूडल्स वगैरह भी रेडी टू ईट, रेडी टू ईट ये भी ले सकते हैं, मैंने एक खाया था वाइट कलर का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो ये मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा थोड़ा, ये रेड रेड है ना, ये करते हैं ट्राई एक बार, लेते हैं फिर थोड़ा उसके बाद रूम जाते हैं और फ्रेश होने के बाद अभी डायरेक्टली रात को ही मिलते हैं मुझे लगता है, अभी दिखाने के लिए थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा आराम करते, कल से भाग रहे दिन भर बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ, रात को सिर्फ 2 घंटे की नींद हुई हमारी फ्लाइट में और सुबह आधा घंटे की कार में बस उतनी नींद हुई। ठीक है चलो मिलते हैं। अभी होटल में हमारे लिए एक स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, मस्त स्विमिंग पूल है देखो, और वहाँ पे जिम भी है ना, जिम भी है, जिम है देखो वहाँ पे, ट्रेडमिल, जिम, वेट ट्रेनिंग के लिए वो एरिया, स्विमिंग पूल भी बढ़िया है एकदम, मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है पानी में अभी उड़ी मार दूँ मैं तो, आते हैं ना करेंगे। प्रॉपर जो फोटो में था ना वैसा ही है, हमें लगा था कुछ गड़बड़ हो सकती है इतना, मतलब इंडिया से कंपेयर करो तो बहुत ही कम प्राइस होती है यहाँ पे होटल्स की, तो मस्त एकदम है ये होटल का बिल्डिंग है, ये भी है, ये दो होटल इसके आमने सामने, बहुत सारे बिल्डिंग है, बढ़िया एकदम। सब लोग रेडी होके निकल गए और अभी हम जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट, पटाया का वॉकिंग स्ट्रीट, जहाँ पे वो सब क्या है अलग अलग क्लब्स है, नाइट लाइफ है, बाकी स्ट्रीट फूड वगैरह मिलता है, बहुत ही खतरनाक चीज़ें खाते हैं वहाँ वाले, कुछ देखेंगे देखेंगे सिर्फ जाके और क्या हुआ भाई। ठीक है अभी जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद दिखाएंगे आपको क्या क्या है वहाँ पे, लेट्स गो। बोलना, अरे बस है ना आपल्याला आली, गाइस अभी हम जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट और ये देखो कहाँ पे बैठे, क्या है भाई ये टुक टुक, पता नहीं क्या है, बड़ा वाला टुक टुक, बड़ा वाला जा रहे थे वहाँ पे रुक गए और बोला 10 बात पे वॉकिंग स्ट्रीट जाएंगे, 10 बात पे वॉकिंग स्ट्रीट है तो अभी जाने वाले हैं, लेट्स गो। 7-Eleven देखो हर जगह पे यहाँ पे मौजूद है, 7-Eleven हर 100 मीटर के बाद यहाँ पे आपको 7-Eleven दिखेगा, सो लेट्स गो टू वॉकिंग स्ट्रीट, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था। ठीक है वॉकिंग स्ट्रीट पे तो बहुत खतरनाक चीज़ें होने वाली है बिकॉज वहाँ पे फूड फ्रॉग खाते, स्कॉर्पियन, तो हम सिर्फ देखने वाले, देखने वाले, देखना भी नहीं है भाई, लोगों को तो दिखाना है ना, और नाइट नाइट क्लब वगैरह बहुत वहाँ पे कैसा होता है क्या होता है, देख के फिर से आना है और इम्पोर्टेंटली उनका कल्चर देखते क्या होता है कैसे होता है, कल्चर देखने के लिए हम यहाँ पे इस
स्पेशली आए नाइट लाइफ कल्चर कैसे होता है देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला लगता है आपको भी, देंगे दिखाएंगे क्या क्या होता है स्ट्रीट पे। चलो अभी जाते हैं गाइस। पटाया की नाइट स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ, दिख रहा है सब कुछ और खाना भी बहुत ही दिख रहा है, पर एक भी खाना तो नहीं खाएंगे भाई, खाना वेज प्योर वेज इंडियन होटल, इंडियन होटल पे खाएंगे वेज, वो भी सोचेंगे स्मेल भी बहुत गंदी आएगी, नहीं तो स्मेल भी बहुत गंदी पी के सो जाएंगे। यस बेस्ट गाइस। Mm-hmm.